Hello and welcome back to my YouTube channel, guys. I know it has been a long time since I have been uploaded any video on my channel, but I have been really busy with my work और थोड़ा rest करने के लिए time ले लेती थी और फिर कुछ जब 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 मैंने सोचा कि video upload करनी है तब तब कुछ वीडियो आइडियाज नहीं थे मेरे दिमाग में और फिर आई डोंट वांटेड टू अपलोड अ सेम कंटेंट एवरी सिंगल टाइम, तो कुछ नया कुछ देखने के लिए टाइम लगता है और नया कुछ सोचने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ा रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ और आप भी कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज मुझे देते रहिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन अपलोड ऑन टाइम, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस कॉन्स्टेंट लव फॉर माई वीडियोज एंड फॉर मी, वेदर इट्स ऑन यूट्यूब और ऑन इंस्टाग्राम। यू हैव बीन रियली रियली स्वीट विद मी, सो थैंक यू सो मच। और जस्ट इग्नोर माई मॉर्निंग फेस एंड माई मॉर्निंग वॉइस, आई जस्ट वोकन अप और अभी आई एम ऑन बेड ओनली। तो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट, मैं तो अपने टाइटल पढ़ के पता लगा लिया है, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी अबाउट जस्ट मी इंजॉइंग माई डे ऑफ, नॉट रियली इंजॉइंग बट वट ऑल द थिंग्स आई डू ऑन माई डे ऑफ। एंड यस, सो आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड इफ यू डू जस्ट लेट मी नो दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस काइंड ऑफ व्लॉग, सो दैट आई कैन जस्ट व्लॉग माई डेली रूटीन एंड नॉट regularly, but yeah, I can vlog on some days and just upload, you know, these random vlogs. So just let me know. And अब time आ गया है उठने का और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, I guess. हाँ, 9 बज रहे हैं। मैंने रात को अलार्म लगाया था कि मुझे 9 बजे उठना है और मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी क्योंकि डे ऑफ है तो थोड़े लेट तक सो सकते हो आप। तो अभी 9 बज रहे हैं और उठूंगी जल्दी से और देखते क्या करना है। ब्रेकफास्ट भी टाइम से ही करना है मुझे क्योंकि कभी कभी तो टाइम मिलता है टाइम से खाना खाने का, अदरवाइज अगर फ्लाइट्स होती है अर्ली मॉर्निंग तो मिस आउट हो जाता है ब्रेकफास्ट कभी कभी, या फिर लेट हो जाता है ऐसे ऐसे करके। लेकिन टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम क्या 9 बज रहे हैं, देखती हूँ 10-11 बजे तक तो ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो बेड से उठते हैं सबसे पहले तो, और फिर देखते आगे क्या करना है। ठीक है, चल कर लिया है साफ और अब मैं करूंगी पूरे घर की साफ सफाई क्योंकि मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं वो अभी अपने अपने लेओवर्स पे गई हुई हैं तो वो घर पे नहीं है, नहीं तो हम सब मिलकर साफ सफाई करते हैं, बट अभी वो घर पे नहीं है तो ठीक है मैं करती हूँ क्योंकि मेरा डे ऑफ है तो यूटिलाइज तो करना है ना इसको अच्छे से, क्योंकि बाहर शायद मैं नहीं जाऊंगी इस बार क्योंकि आई एम रियली टायर्ड पिछले दिन की फ्लाइट से और अभी फिर इस डे ऑफ के बाद फिर से मेरी फ्लाइट है तो मैं अवॉइड करना चाहूंगी बाहर जाना क्योंकि मैं थकी हुई हूँ थोड़ी, तो घर पे यूटिलाइज करते हैं इस टाइम को, घर पे कुछ कुछ करते हैं काम, तो बस अभी साफ सफाई करूंगी। तो चलो ठीक है जल्दी साफ सफाई करते हैं और फिर मुझे भी तो फ्रेश होना है ना, रेडी होना है, वो साफ सफाई की बात करूंगी। रूम पे तो मैंने झाड़ू लगा लिया है बट अभी उन मेरे फ्लैटमेट्स के रूम लॉक्ड हैं कि हम रूम लॉक करके जाते हैं, ऑब्वियसली अपनी प्राइवेसी किसको नहीं पसंद होती, तो उनके रूम्स में तो अभी मैं साफ सफाई नहीं कर रही, मैं मेन हॉल में करूंगी, बालकनी एंड अपना रूम एंड किचन ये सब साफ करूंगी। और मुझे साफ सफाई करते हुए अचानक से याद आया तो आई थॉट कि मेरे को बोल देना चाहिए। सो लॉट ऑफ यू हैव रिक्वेस्ट मी फॉर अ होम टूर और रूम टूर ऐसे ऐसे करके, बट ऑनेस्टली अभी मेरा रूम भी रेडी नहीं है और अभी हमारा घर भी प्रॉपरली अच्छे से रेडी नहीं है क्योंकि अभी जब से हमने शिफ्ट किया है आई गेस 1-2 महीने तो हो गए हैं, 3 महीने हो गए शायद, हाँ 3 महीने तो हो गए हमें शिफ्ट करे हुए, 3 नहीं
2-2.5 महीने शायद, हाँ तो जितने भी, लेकिन तब से हमें अच्छे से सजाने का या सेट करने का मौका ही नहीं मिला अपनी तरह से। तो फिर मुझे अभी सही नहीं लगता होम टूर देना और रूम टूर, क्योंकि जब तक अपनी पसंद से रेडी ना होना घर या रूम, तब तक मैं नहीं चाहती ना कि आप भी देखें उसको। वैसे थोड़ा अभी है भी है बेसिक सा, तो जब थोड़ा रेडी हो जाएगा अच्छे से तब मैं अपना होम टूर या रूम टूर भी आपको दूंगी ज़रूर। और लेकिन तब तक आपको बस कुछ थोड़े बहुत छोटे बड़े झलक देखने को मिल सकती है मेरे रूम की और मेरे घर की। तो चलो ठीक है, बाकी साफ सफाई भी करते हैं यार, बातें नहीं करते रहनी है, साफ सफाई भी करनी है। चलो झाड़ू और अब मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाऊंगी पूरे घर पे, और फिर मैं किचन पे पर्टिकुलरली ध्यान दूंगी, मतलब डस्टिंग एंड एवरीथिंग, और ये बर्तन वर्तन साफ करने हैं और हटाने हैं यहाँ से। चलो जल्दी से पोछा लगाते हैं। पोछा हो चुका है डन, और अभी भी बहुत सारी साफ सफाई बाकी है क्योंकि मुझे किचन साफ करना है, बर्तन साफ करने हैं और डस्टिंग करनी है थोड़ी बहुत घर पे। लेकिन मेरे साथ क्या है कि अगर मैं किसी काम में बिजी हो जाऊँ ना, स्पेशली साफ सफाई में, तो फिर मैं लग ही जाती हूँ। मुझे खाने की होश नहीं रहती, पीने की होश नहीं रहती। मुझे ऐसा होता है कि सारा खत्म करना है उसके बाद ही कुछ करना है, लेकिन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम एक्सीड ना हो जाए इसलिए कुछ तो थोड़ा बहुत मैंने कहा कि जल्दी से कुछ खा लेती हूँ, मतलब खाऊं या पीऊं, बट कुछ तो जाना चाहिए ना पेट में। तो ब्रेकफास्ट मैं करूँगी नहाने के बाद, बट अभी और नहाऊंगी मैं साफ सफाई पूरी खत्म करने के बाद। तो अभी अब मैं जल्दी से फेस वॉश करके और ब्रश करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलो बनाना शेक से स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी जस्ट आई एम गोइंग टू मेक बनाना शेक फॉर मी, और जल्दी से बनाना शेक पी के फिर मैं पूरी साफ सफाई खत्म करूंगी किचन एंड एवरीथिंग दैट इज लेफ्ट, और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। तो चलो ठीक है, जल्दी से बनाना शेक बनाते हैं। वापस आते हैं, सबसे पहले बर्तन साफ करूंगी और फिर किचन की ये शेल्फ और ये सब डस्टिंग वस्टिंग सब बाद में, बट सबसे पहले बर्तन साफ करने हैं, ये एरिया साफ करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ करते हैं। चलो ठीक है, तो बर्तन हो गए हैं डन। अब मैं बस ये यहाँ पे क्लियर करूंगी और फिर मैं जल्दी से करूंगी किचन साफ। चलो जल्दी जल्दी करते हैं।
दिस कॉर्नर इज क्लीन नाउ, अच्छा दिख रहा है. अब ये कॉर्नर बाकी है जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है. इस कॉर्नर की हालत फिलहाल कुछ ऐसी है क्योंकि हम काफी टाइम से 3-4 दिन से घर नहीं रह पा रहे थे, तो कुछ ऐसी हालत में है ये पोर्शन अभी. चलो देखते हैं साफ सफाई के बाद कैसा होता है. सो दैट्स हाउ इट लुक्स आफ्टर क्लियरिंग द होल मेस एंड फाइनली आई एम हैप्पी. सो द किचन इज रेडी नाउ, इट्स ऑल क्लियर. And it really took me more than half an hour to clear this particular part because this was complete mess. And yes, so now it's clean. Okay, so I'm done cleaning the kitchen also. So now just dusting part is left. So I'm going to do that quickly. And बस फिर उसके बाद जल्दी से नहाने जाऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी क्योंकि मुझे भूख लग गई है बहुत जोर से. तो चलो जल्दी से डस्टिंग करते हैं और चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना करके जल्दी से. चलो डस्टिंग इज ऑल्सो डन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर. जल्दी से नहा करके आऊंगी और ये जो मैसी मेरे हेयर है इन सबको अच्छे से वॉश करके आती हूँ. पूरी वीडियो में आई नो ये कुछ ज्यादा डिजास्टर लग रहे होंगे पूरा टाइम क्योंकि मैंने रात को बहुत सारा ऑयल अपने बालों में लगा लिया था, इसलिए जस्ट इग्नोर दैट. इफ यू कांट इग्नोर तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं. तो चलो ठीक है, अब जल्दी से नहा कर आती हूँ फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं. यार जल्दी से ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है वो मैं नहाते नहाते सोचूंगी. ठीक है चलो ठीक है, ओके बाय. हे सो फाइनली आई हैव टेकन शावर ऑल्सो नाउ एंड नाउ आई एम गोइंग टू quickly make breakfast come lunch for me because lunch timing भी almost होने वाली है. so अब breakfast और lunch एक साथ ही होने वाला है मेरा. तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि breakfast बनाने मेरा खाना बनाने से पहले जल्दी से laundry भी sort कर देती हूँ अपनी, मशीन में तो डालनी है और फिर उसके बाद धुलते रहेंगे अपने आप. और तब तक मैं अपना जल्दी से खाना बना लूंगी. तो let's go और पहले लॉन्ड्री सॉर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि खाने का क्या करना है. ठीक है, और मैंने ये सोचा है कि खाने में क्या बना सकते हैं बताऊं. पालक के पराठे बनाने वाली हूँ वेज में. तो चलो ठीक है पहले लॉन्ड्री सॉर्ट करते हैं जल्दी से. सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक पालक का परांठा. तो हेयर इज पालक, प्याज, मिर्ची एंड आटा. और पालक का परांठा हेल्दी भी है और क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ है. तो यस आई एम गोइंग टू मेक 2-3 परांठा दैट आई एम गोइंग टू ईट. ओके तो चलो आटा रेडी करके मिलती हूँ. सो आटा भी रेडी है, अब जल्दी से बनाऊंगी मैं पराठे और फिर चलो जल्दी से खाते हैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच. चलो अब बनाते हैं पालक पराठा बहुत ही जल्दी जल्दी. हमारा इस दुनिया की, और ये जो आवाज है इसको अवॉइड कीजिए पीछे से क्योंकि लॉन्ड्री भी तो सॉर्ट करना इम्पोर्टेंट था ना. तो ये वॉशिंग मशीन थोड़े थोड़ा आवाज आप सुन लीजिए इसकी भी. और बताओ यार क्या चल रहा है जीवन में. मेरा तो क्या चल रहा है, मेरा खाना खाते बनाते टाइम मुझे सब बातें याद आती है ना आई नो, लेकिन मेरा क्या चल रहा है, मेरी चल रही है बैक टू बैक फ्लाइंग और डे ऑफ मिल जाता है कभी कभी, कभी कभी क्या जब मिलना चाहिए तब मिल जाता है. और बस बाकी फ्लाइंग फ्लाइंग एंड फ्लाइंग आई गोइंग टू डिफरेंट लोकेशंस और ले ओवर का भी कुछ ना कुछ व्लॉग कर ही लूंगी अगर किसी अलग जगह ले ओवर पे जाऊंगी तो. और बाकी आप अच्छे अच्छे वीडियो आइडियाज दो यार जो थोड़े हटके भी हों, मतलब सेम जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बता दिया कि मेरे को सेम कंटेंट नहीं बनाना ना हर दिन लेओवर और हर दिन स्किन केयर और गेट रेडी विद मी भी नहीं अपलोड कर सकते ना मैं, दैट डजंट फील गुड यू नो.
तो कुछ नया अपलोड करने के लिए वीडियो आइडियाज दो और जो मुझे अच्छा लगेगा उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलो अब जल्दी से मैं पराठे बना करके मिलती हूँ आपसे खाना खाते टाइम, और ठीक है चलो। मेरा खाना बन चुका है और अब मैं खाना खाऊंगी बहुत ही आराम से, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट मील फॉर द डे, तो बहुत आराम से खाऊंगी, कोई सीरीज या फिर मूवी कुछ देखूंगी और हाँ, और इन्जॉय करूंगी थोड़ा बहुत खाने को अपने, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इन्जॉय करूंगी, सच में बहुत भूख लग रही है। और बस उसके बाद कुछ भी देख करके एक दो घंटे आराम से रेस्ट करूंगी और खा देती हूँ कि क्या खा रही हूँ मैं, कैसा दिख रहा है मेरा खाना, और बस फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ मी टाइम के लिए। ओके बाय। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, दिस इज माय पालक का पराठा एंड दिस इज माय मसाला दही। अब मिलते हैं दो तीन घंटे बाद, अपना मी टाइम इंजॉय करके मिलूंगी मैं आपसे। हेलो एंड वेलकम। सो उसके बाद मतलब जब मैं लास्ट टाइम ब्लॉग करती गई हूँ खाना खाने के बाद, मैंने कहा था थोड़ा चिल करूँगी और नेटफ्लिक्स देखूंगी और ये सब, तो उसके 3 to 4 hours बाद अब मैं आई हूँ वापस। और हाँ, मैंने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने मूवी देख ली नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे एक दो ब्लॉग्स देख लिए, और फिर मैंने अपने नेल पेंट लगाई है जो डिसेंट सा कलर है, जो मतलब प्रोफेशनल है और रिकमेंडेड शेड है हमारी, वो मैंने लगा ली है। और अब मैं थोड़ी देर के लिए कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट करूंगी जो मैं करती हूँ, मतलब जब भी मुझे टाइम मिले, सुबह शाम जब भी टाइम मिले। और वर्कआउट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आई डांस ऑल्सो, सो डांस इज आई फील दैट इज बेस्ट वर्कआउट फॉर माई बॉडी बिकॉज आई एंजॉय डांसिंग सो मच। सो आई डांस एंड आई डू सम पुशअप्स और ऐसे ऐसा करके थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना आई ट्राई टू डू, एंड गेस आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर अ वाइल। और उसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और कॉफ़ी पीने के बाद क्या करूँगी, कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा बहुत कुछ स्किन केयर करूँगी बिकॉज डे ऑफ है, थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत है अपनी स्किन को, तो देखती हूँ क्या कर सकते हैं। फेस पैक अगर कुछ हुआ, हल्दी का जो मैं लगाती हूँ बेसिक, वो अगर हो सका तो वो लगाऊंगी फेस पे, और थोड़ा बहुत स्क्रब और ये सब जो भी है थोड़ा बहुत करूंगी, और फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करना है। तो अभी तक का तो सिर्फ यही प्लान है, और चलो ठीक है, वर्कआउट करने जा रही हूँ, फिर मैं पीऊंगी कॉफी, तो अब मिलते हैं वर्कआउट के बाद, वर्कआउट या एक्सरसाइज जो भी आपको बोलना है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मिलते हैं उसके बाद, और बाकी की बातें देखते हैं बाद में। और अब हो चुकी है थोड़े शाम मतलब इवनिंग नहीं हुई है वैसे, दोपहर का ही टाइम है, दोपहर से थोड़ा कम, थोड़ा लेट हो गया दोपहर से, तो कम क्या होता है यार, मतलब शाम का ही टाइम है यार, 4-5 बजे का टाइम है, ठीक है। तो बस अब वर्कआउट 5 नहीं 6 थोड़ा एक्सरसाइज करने, और उसके बाद कॉफी पीऊंगी, और फिर देखते हैं बाहर वॉक पे अगर जाना होगा तो वॉक पे जाऊंगी, और फिर उसके बाद डिनर बनाना है यार, क्योंकि डिनर मतलब मेरी जो फ्लैट मेट्स है, जो मैंने कहा था आपको कि ले ओवर या ऐसे फ्लाइट पे गई हुई है अभी, तो वो आज वापस आ जाएंगे मेरी दोनों फ्लैट मेट्स, आई एम हैप्पी दैट। और अब बस यही है, तो चलो ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं एंड देन वी विल सी ईच अदर इन अ व्हाइल। ओके बाय। हाय, so I am done with my exercise, coffee and my skin care, और बस इतना ही था आज के लिए, और बस मेरी स्किन के लिए मैंने कुछ नहीं ज़्यादा किया, मैंने फेस पैक बनाया था हल्दी का, क्योंकि my skin is not behaving well nowadays, actually it's my fault only, क्योंकि मैंने कोई तो गलत फेस वॉश अपने फेस पे यूज़ कर लिया था जिसका ये रिएक्शन हुआ है, तो अब मैंने ऑब्वियसली उस फेस वॉश को यूज़ करना बंद कर दिया है, वो मैंने शायद 2 से 3 बार यूज़ किया था, पहली बार में मुझे डिफरेंस नहीं पता चला कि वेदर इट्स सूटिंग ऑन माय फेस और नॉट, मेरे को नहीं समझ में आया पहले 1-2 बार यूज़ करने में, बट तीसरी और चौथी बार जब मैंने यूज़ किया उसके बाद ये हश्र हुआ है मेरी स्किन का,
तो इट्स अ लेसन फॉर यू गाइज ऑल्सो कि सोच समझ के अपने फेस पे चीजें यूज करें और रैंडमली कुछ भी नहीं लगाने. वैसे मैंने रैंडमली लगाया था, बहुत सारे रिव्यूज पढ़े थे, ये सब किया था, बट इट वॉज नॉट सूटेबल फॉर माई स्किन टाइप, फॉर माई स्किन, फॉर माई फेस, जो कि मुझे नहीं पता था, तो जो मेरी ही गलती है. लेकिन यस, आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दैट फेस वॉश और मैंने कुछ और यूज करना शुरू कर दिया. आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, और क्योंकि हो जाएगा यार, क्योंकि मैंने अपनी स्किन का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है जब से मेरा ये फेस खराब होना शुरू हुआ ना फेस वॉश की वजह से. उससे पहले तो मैं ऐसे फॉर ग्रांटेड ले ली थी मेरी स्किन को, बट अब मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो कि दिखेगा आपको थोड़े टाइम में शायद. तो या दैट इज इट फॉर द डे, और इट वॉज जस्ट अ रैंडम व्लॉग. आई डोंट नो कि पीपल विल एंजॉय वॉचिंग दिस और नॉट, बट इफ विल डू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ दीज व्लॉग्स. एंड या सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड अ बुक, and after reading I'm going to cook dinner for my flatmates. और क्योंकि वो आने वाले हैं कुछ टाइम में, तो जल्दी से डिनर बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं और मेरे फ्लैटमेट्स मिलके बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हम शायद 2 या 3 दिन से नहीं मिले हैं. तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, 2 दिन से नहीं मिले आई गेस. तो ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे उसके बाद, और बस फिर डिनर करेंगे और सो जाएंगे टाइम से. तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और yeah, that is it for the day. And thank you so much once again for showing so much love to my channel, to my vlogs and everything. And I guess, and I feel that this is my safe place and I can share whatever I want and whatever I feel, however I feel, I just share on this platform. And I guess YouTube is only one platform where I can just be myself. I'm not that real on Instagram also. Like Instagram pe bhi filters laga ke, gaane laga ke tum photos, videos dal do, nobody cares. But YouTube pe I feel I can be myself because I feel this is a safe space and I have a family of non-judgmental people. So yeah, I feel this is my place and I can just be myself. In the beginning, I was just a bit conscious about how I look on camera and how will I look without makeup, and will you people judge me for that, or a lot of things like that. But now I've stopped thinking all that shit, and now I just be on camera, whether I'm looking good or not, whether I'm wearing makeup or not. So this is real me and you guys are my real people. So yeah, I'm going to keep sharing vlogs like this where I am just myself, and yeah, just keep loving and keep supporting. And also, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. And also let me know in the comment section that you have enjoyed watching this vlog and you want to and you want me to make more of these vlogs, so just let me know and I'll try to make more of these vlogs. So yeah, that is it for the day and see you next time. So bye bye, until next time, bye, good night.